Hello everyone, welcome to Try No Code. Hope you are all doing well. In this video, I'm going to tell you how we can create a header of a web page in Bubble application with Responsive. So let's get started. Firstly, we have to create a web page in Bubble application right there. Add a new page. I have created a new web page named like index underscore new. And then edit this page. सबसे पहले हम इसके लेआउट को फिर से हटाकर कॉलन कर देंगे एंड सेंटर चूज कर लेंगे एंड आफ्टर दैट पेज विड्थ को भी हम कस्टम से हटा के फुल विड्थ कर देंगे एंड इसके जो एक नॉर्मल साइज होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा. इसको हम 900 कर देते हैं. एंड आफ्टर दैट हमें एक हेडर के लिए ग्रुप क्रिएट करना होगा. ग्रुप क्रिएट कर दिया. हाँ, एंड हम इसके पेज को टाइटल भी दे सकते हैं. यहाँ से इंडेक्स पेज के एडिट में जाके योर बबल एप्लीकेशन लाइक माई योर वेब पेज. ओके, ग्रुप हमने सेलेक्ट कर लिया इसके. हाँ, और जो भी आप ग्रुप लेंगे उसको एक नेम से आइडेंटिफाई कर देंगे ताकि हमें उसे आइडेंटिफाई करने में इजी हो. इसके इसको भी हम लेआउट इसकी हम रॉ कर देते हैं. जो भी रॉ और कॉलम हम इसलिए सेग्रीगेट करते हैं, जो भी उसके सब चाइल्ड्स होते हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उसको सेग्रीगेट करने के लिए रॉ और कॉलम में हम चूज करते हैं. ग्रुप हेडर को एडिट करके इसके हम कुछ एलिमेंट्स को चेंज करेंगे लाइक सबसे पहले हम इसके फिक्स विथ को चेक करेंगे एंड मिनिमम फिक्स विथ हम कर लेते हैं 100%. जितना भी पेज का विड्थ होगी वो 100% से सेग्रीगेट हो जाएगा. एंड मिनिमम हाइट 125 कर लेते हैं, 120 कर लेते हैं पिक्सल्स. एंड इसके पिक्स विड्थ ओके. एंड अब हम इसको इसके अंदर हमें तीन एलिमेंट्स चाहिए लाइक लोगो, होम, कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस बटन्स एंड लॉग इन साइन अप. एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं न्यू. इसको भी हम फिक्स विड्थ हटा देंगे. रॉ चूज करते हैं एंड इसके कंटेनर अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं एंड इसके वर्टिकल अलाइनमेंट को भी सेंटर कर देंगे. इसको सब फिक्स विड्थ से हटा रिमूव कर देंगे एंड मिनिमम विड्थ 90 पिक्सल्स ले लेते हैं एंड मिनिमम हाइट इसकी 100% कर देंगे. ओके, देन हम इसको इसके सब जो हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था सब ग्रुप में उसको हम कंट्रोल डी करेंगे तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तीन ग्रुप्स बन जाएंगे. इट मींस सो सबसे पहले हम इमेज img एंड देन होम इन सब ग्रुप को सेग्रीगेट कर लॉगिन. एंड आफ्टर दैट इसके अंदर एक और ग्रुप लेंगे या हम इमेज भी ले सकते हैं. इसको इसको भी फिक्स विड्थ से हटा देते हैं. रॉ करके इसको भी सेंटर अलाइन कर देते हैं. इसको भी पिक्स विड्थ से हटा देंगे हम और मिनिमम विड्थ हम इसको दे देते हैं 100 पिक्सल्स की एंड देन इसको हम मैक्स विड्थ दे देते हैं 90 पिक्सल्स या 100 पिक्सल्स. तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. इसको 120 कर देते हैं. जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम इसको चेंज कर सकते हैं. 100 पिक्सल्स को कर देते हैं तो ये
और इसमें हम यहाँ से अपीयरेंस में जाके रिमूव स्टाइल, बैकग्राउंड इमेज, अपलोड इमेज, हम कोई भी इमेज चूज कर लेंगे लाइक दिस। हमारी एक इमेज सेलेक्ट हो गई है, लोगो है, हैज बीन क्रिएटेड। ओके, आफ्टर दैट इसमें हमें होम, अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस का इमेज चाहिए, बटन चाहिए। टेक्स्ट हम कर सकते हैं, एक टेक्स्ट ले लिया, इसको भी हमें लिख देते हैं होम। एंड देन इसके लेआउट में जाके वर्टिकल अलाइनमेंट हम इसको सेंटर कर देते हैं। इसकी हम विड्थ ले लेते हैं 70 pixels एंड मिनिमम हाइट इसकी 15 pixels या 20 pixels ले सकते हैं। इसको भी हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये तीन टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम अपीयरेंस में नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। इसकी हम हाइट विड्थ इंक्रीज कर देंगे लेआउट में। एंड इसमें एक ऑप्शन है, हम इसके जो पेरेंट ग्रुप होगा उसको हम इस एक अप्लाई स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट, जो इसके एलिमेंट्स होंगे उसमें हम गैप्स क्रिएट कर सकते हैं विद अ सिंगल स्टेटमेंट। लाइक हमें 10 का गैप चाहिए तो वो 10 का मार्जिन अपने आप क्रिएट कर देगा हर एक एलिमेंट में। ओके, इसको हम अपने अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग ब्लैक कलर कर सकते हैं, बी लाइक इसको हम बोल्ड कर देते हैं 600 600। एंड यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे लॉगिन एंड साइन अप। लॉग इन इसको हम चूज कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक। राउंडनेस भी दे सकते हैं हम, जैसे इसकी अपने अकॉर्डिंग उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं जैसे भी। इसको भी कंट्रोल डी किया साइन। इन दोनों को हमें एक ग्रुप में लेना होगा, ग्रुप में कर देते हैं इसे ग्रुप एलिमेंट इन अ रॉ ग्रुप। इस ग्रुप को नाम दे देते हैं लॉग। इसको हम सेंटर कर देंगे, इसको भी हम सेंटर कर देंगे। जैसे कि इसके पेरेंट ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं हमें लेआउट में जाके पेरेंट ग्रुप कंटेनर इन अप्लाई गैप स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स 10 का हम कर देते हैं 10 का। ओके ओके, हम इसको रन करके देखते हैं एक बार, हैव अ लुक। परफेक्ट परफेक्ट। हम इसमें बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं बी लाइक इसका मेन ग्रुप हेडर को चूज करके, इसको हम बैकग्राउंड स्टाइल फ्लैट कलर F8, F8,
सो ये बैकग्राउंड कलर हो गया. सो वी हैव टू क्रिएट अ स्लाइड बार फॉर मोबाइल ऑप्शन फॉर मोबाइल व्यू. सो लास्ट ग्रुप को ही हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम डिलीट कर देते हैं. इसको नाम लिख देते हैं स्लाइड बार. इसको भी हम कर लेंगे. इसकी हम मिनिमम विड्थ 50 पिक्सल्स कर देते हैं एंड मिनिमम हाइट इसकी 80 पिक्सल्स कर देंगे. यहाँ से हम इसके एलिमेंट से स्लाइड बार हम चूज करके यहाँ पे इसको भी हम ऑप्शन दे सकते हैं जो भी हमें स्लाइड बार में शो करने हैं. लाइक हमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, साइन. ये सारे हमारे ऑप्शन हुए इन मोबाइल व्यू. जब भी हम स्लाइड बार को क्लिक करेंगे तो स्लाइड बार कैसे हमें रिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से. हम इसको राइट कर देते हैं. ओके एंड इसको हम सेट कर देंगे. ओके एंड इसमें हम कंडीशन लगाएंगे जब हमारा मोबाइल व्यू होगा तो हमें ये सिर्फ ये स्लाइड बार शो होगा, बाकी हमारे ये दोनों टैब्स शो नहीं करेंगे. देन कंडीशन में व्हेन करंट पेज विड्थ 800 व्हेन करंट पेज विड्थ इज लेस देन 800 तो हमें ये वाला एलिमेंट विजिबल हो जाएगा. एंड बाकी सब में हम लगा देंगे कि व्हेन करंट पेज विथ लेस देन 800 तो दिस एलिमेंट इज नॉट विजिबल. सेम कंडीशन वी कैन कॉपी द कंडीशन एंड पेस्ट एज वेल फॉर क्विकर. ओके दैट्स ऑल. इसके अपीयरेंस में जाके हमें इसे पेज लोड से लेआउट में जाके इसके पेज लोड पे ओके देन हमने इसको एक कंडीशन दे दी है व्हेन करंट पेज इज लेस देन 800 तो ये हमारा विजिबल हो जाएगा एलिमेंट. एंड इसके लेआउट में जाके हमको इसके पेज लोड पे ऑफ करना होगा और कोलैप्स में हिडन. सो ओके लेट्स गेट प्रीव्यू दिस सेक्शन. ओके परफेक्ट. हमें इन दोनों को जब मोबाइल व्यू हो तो इन दोनों ग्रुप्स को हमें हाइड करना होगा, इनकी हाइट को. तो इसको हम चूज कर देंगे कोलैप्स व्हेन हिडन इज ओके एंड इस वाले ग्रुप को भी कोलैप्स व्हेन हिडन. ओके एंड इस वाली इमेज को भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं. सबसे पहले इसको एक लेफ्ट मार्जिन देते हैं 100 पिक्सल का ले लेते हैं. 100 पिक्सल का एक मार्जिन ले लिया एंड एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे व्हेन करंट पेज की विड्थ लेस देन 800 हुआ तो लेफ्ट मार्जिन 0 30 ले लेते हैं, 20 कर सकते हैं जैसे भी 30. ओके तो एक बार रिव्यू करते हैं. परफेक्ट. मोबाइल व्यू में आप देखिए ये हमारा लोगो हो गया स्लाइड बार. इसको हम ओके स्लाइड बार हमारा ऐसे ओपन होगा. ओपन होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉग इन, साइन अप. ओके दैट्स परफेक्ट.
text of UV. Perfect. Thank you for watching this video. Hope you are enjoying this video. And you can raise a query in comment section. And yes, don't forget to like, subscribe. Thank you. I'll see you in the next one.